लेकिन जैसे ही खाना फिनिश करके हम बाहर आए हैं, तो बाहर आने के बाद ना कुछ इस तरह का माहौल हो रखा है। ये देखिए एकदम तूफानी तेज बारिश हो रही है। शिमला आए तो थे हम डिनर करने, लेकिन बारिश भी मिल गई हमें, ठंड बहुत ज्यादा मिल गई। ठंड एंजॉय क्या कर रहे हैं, अब तो कुल्फी जम रही है। हाँ जी, कितनी ठंड है हूँ। मजा है शिमला के, जून च भी इतनी ज्यादा ठंड है ना, दंद भी कम रहे दर्द है। वो देखिए सामने का नजारा क्राइस्ट चर्च का, कितना ब्यूटीफुल नजारा। वो सामने रहा जी शिमला, और वो क्राइस्ट चर्च भी दिख रहा है। जोरावर दिख रहे हैं। सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होर जी कितना सारा, होप तुसी सारे वधिया होंगे। तो जी आज हमने एकदम स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम बनाया और हम आए हैं चंडीगढ़ से शिमला। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई प्लान नहीं था। अचानक से जोरावर कहने लगा, डैडा शिमला घूम के आए। मैंने कहा जोरावर यार छुट्टियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रश होगा, तो हम कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे जब रश कम होगा। तो कहता बस वैसे ही राउंड मार आते हैं, क्योंकि उसने हमारी बातें सुनी। हम लोग पहले ऐसे सुबह जाके शाम में आ जाया करते थे शिमला, क्योंकि चंडीगढ़ वालों के लिए ऑलमोस्ट लोकल जैसे ही है। बस शाम में 5 बजे हम लोग चंडीगढ़ से निकले और शाम में 8 बजे हम शिमला पहुंच गए। बस मेरे पीछे आप शिमला की ये लिफ्ट देख सकते हो, लिफ्ट से हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मॉल रोड, शिमला एक्सप्लोर करते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर डिनर करेंगे शिमला में, और फिर रात में निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए, अपने घर के लिए। ये भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस। हाँ जी, फिर जोरावर हैप्पी आज थोड़े करके बस स्पेशल स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम बना के शिमला आए हैं ना, और इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं ना शिमला। तभी हमने यहाँ का प्लान स्टे के हिसाब से नहीं बनाया, हमने सोचा बस शिमला शाम के वक्त निकलते हैं, ठंडे ठंडे मौसम ठंडा होने के बाद, और बस शिमला पहुँच के यहाँ डिनर विनर करते हैं और फिर वापस चलते हैं चंडीगढ़ अपने घर। रात में 10 बजे तक निकल जाएंगे, 1-1.5 बजे अपने घर पहुँच जाएंगे। अभी कोई वीकेंड भी नहीं है, वीकडे ही है आज, लेकिन तब भी आप देख लो मॉल रोड पर रश। ये देखिए मॉल रोड का माहौल इस वक्त, प्रॉपर रौनक लगी हुई है, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है, प्लेन्स में गर्मी पड़ रही है, तो टूरिस्ट यहाँ आके ठंड का मज़ा ले रहे हैं। और इस वक्त शिमला का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्रीज हो रखा है, और एकदम प्लेजेंट लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। और थोड़ी बारिश भी हो गई है, ठीक है, क्योंकि सड़कें गीली है। और देखो ऊपर चर्च। इस वक्त हो रहे हैं रात के 8:30, और धीरे धीरे शॉप्स क्लोज हो रही हैं। टूरिस्ट या तो डिनर करने जा रहे हैं या डिनर करके वापस अपने होटल्स की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल होता है शिमला के मॉल रोड का रात के वक्त। तो भाई मैंने सोचा हर बार तो हम दिन में शिमला आते हैं और शिमला का मॉल रोड आपको दिखाते हैं, क्यों ना इस बार रात में आएँ और रात में शिमला के मॉल रोड का क्या माहौल होता है वो मैं आपको दिखाऊं, इसलिए आज हम स्पेशली आए हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल सा टाउन हॉल, दिन में इसकी अलग ब्यूटी है, रात में अलग लग रहा है ना, खूबसूरत। जोरावर टाउन हॉल देखो कितना सोना लग रहा है। ओ वाओ, इनो की कहते हैं फोन बूथ, टेलीफोन बूथ, उन्हें पुलिस द टेलीफोन बूथ है ना, वेरी नाइस। रात के वक्त शिमला के मॉल रोड का कुछ इस तरह से माहौल है, टूरिस्ट काफी है। अभी तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा टूरिस्ट तो वापस चले गए होंगे अपने होटल पर। और ये है फेमस स्कैंडल पॉइंट शिमला का, हाँ जी। कितना लग रहा है रात में घूम के मॉल रोड पे, हमेशा डे च आंदे है ना, हुन रात हो गई तो ठंड भी बढ़ गई, टूरिस्ट भी घट गए है ना। और आज शिमला की बारिश हुई हुई है और ठंड सच्ची बढ़ी हुई है, बारिश होने की वजह से ना ठंड ज्यादा बढ़ी हुई है, मजा आ रहा है, तभी तो आए हैं शिमला। और
हो रहा ऊपर, फेमस जाखो मंदिर, हनुमान जी का स्टैचू माउंटेन टॉप पर। चर्च जाइए। चर्च तो बंद होना बेटा इस वेले। हाँ जी। तो ये है क्राइस्ट चर्च, शिमला की मॉल रोड पर, बड़ा ही फेमस। और जब भी हम यहाँ मॉल रोड आते हैं जोरावर ने ज़रूर विजिट करना होता है। अभी तो रात के 9 बज रहे हैं तो चर्च तो बंद होगा, लेकिन तब भी जोरावर कहता है दादा देख देना जाके रात में कैसे लगता है चर्च। वो तो बिजली करके भी छेनी जोर दी। हिस्टोरिकल चर्च एंट्री बाय साइड गेट, चर्च फिलहाल बंद हो गया जी। आ जाओ फिर, कोई गल नहीं। क्योंकि दिन में आते रहते अक्सर तो बहुत रश होता है दिन में। इस वक्त क्या है, सारे टूरिस्ट अपना खा पी के होटल रूम में चले गए हैं और बचे कुचे जो है वो टहल के खा पी के चले जाएंगे। अब हम भी घूम घूम के थक गए हैं, अब हम भी अपना कोई फेवरेट रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, हम भी खा पी के अपने घर चले जाएंगे। और क्या, कोई बड़े से रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। रश तो यहाँ पे है क्योंकि पीक सीजन है। रश तो बहुत था जब हम एंटर हुए, तब भी इतना रश था। हाँ जी, तो ये है शिमला का वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल, होटल विलो बैंक। और इनका रेस्टोरेंट और यहाँ का फूड बहुत ही बढ़िया है। हम लोग यहाँ पहले काफ़ी आया करते थे तो सोचा चलो यहीं चल कर डिनर करते हैं। बहुत पहला ना मम्मा डैडा इस रेस्टोरेंट पे आके अपना फूड खाया करते थे, चाहे लंच वेले चाहे डिनर वेले आते थे। अच्छा, तो थोड़े नाल फर्स्ट टाइम अपना इतने आए हैं। अच्छा। हाँ, ये जो रेस्टोरेंट है ना विलो बैंक कैफे का, पहले यहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट ही होता था, अब तो इन्होंने अपनी ब्रिवरी भी खोल ली है, कैफे भी खोल लिया है। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है ये पुराना वही रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम लोग काफ़ी आया करते थे पहले, बहुत बार शिमला आते थे, स्पेशली यहीं पे आके खाना खाते थे। और ये जो प्रॉपर्टी है विलो बैंक होटल, ये 1871 में एस्टेब्लिश हुआ था। इनकी जो ओल्ड एक पुरानी जो प्रॉपर्टी है वो साथ ही में, लेकिन उसे पता नहीं क्यों नहीं रिस्टोर कर रहे हो, अभी भी खंडर सा बना हुआ है। साथ में ये नई बिल्डिंग है इसे भी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, ये भी बहुत पुराना होटल है विलो बैंक, और उन्हीं का ये रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का नाम भी है 1871, और ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है शिमला के मॉल रोड पर। तो मुझे चाहे चल के यहीं डिनर करते हैं शिमला में। बस जोरावर को भी लेके आए, फर्स्ट टाइम जोरावर यहाँ आया है हमारे साथ, तो फूड ऑर्डर कर दिया, एंजॉय करते हैं। बहुत ज़रूरी भूख लग रही है क्योंकि 9:30 हो गए इस वक्त, खाना खाते हैं फिर निकलना है चंडीगढ़ के लिए। ये जी हमारा लच्छे पराठा, चिकन बिरयानी, रायता, सैलड, थोड़ा और सैलड, और ये है पनीर लबाबदार। क्या फेवरेट चिकन बिरयानी? हाँ जी। मैं करता हूँ टेस्ट सबसे पहले बिरयानी का, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बिरयानी की। तो लेता हूँ फर्स्ट बाइट बिरयानी की एज इट इज़ बिना रायते के। टू गुड, वेरी नाइस। चिकन बिरयानी वाकई में बहुत ज़्यादा स्वाद, मज़ा आ गया, बहुत यम्मी। और एक बाइट लेता हूँ, मज़ा आ गया। पनीर लबाबदार, पनीर लबाबदारी बहुत ही ज़्यादा स्वाद, प्रॉपर गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, लहसुनी पनीर लबाबदार जैसे लग रहा है। और थोड़ा थोड़ा इसको इसे चारकोल इफेक्ट भी दिया गया है, धुंगार जिसे कहते हैं। और लाल मिर्च इसमें यूज़ हुई है, सूखी लाल मिर्च। इन सब का जो फ्लेवर आ रहा है ना उसकी वजह से कमाल लग रहा है पनीर लबाबदार, सब कुछ सच में बहुत ज़्यादा स्वाद। हैदराबादी टेस्ट है। यम्मी, एंजॉय।
हाँ जी तुसी दसो कि बिरयानी खा बहुत टेस्टी डिफरेंट फ्लेवर फूड कितना सी बहुत ही अमेजिंग टम्मी फुल हाँ जी एंजॉयड फूड बहुत मजा आया एंजॉयड अ लॉट हाँ जी भाई डिनर हमने खा लिया फूड वॉज रियली वेरी यम्मी बिरयानी अपनी जगह स्वाद थी पनीर उससे ज़्यादा स्वाद था ओवरऑल बहुत मज़ा आया लेकिन जैसे ही खाना फिनिश करके हम बाहर आए तो बाहर आने के बाद ना कुछ इस तरह का माहौल हो रखा है ये देखिए एकदम तूफानी तेज़ बारिश हो रही है ये देखिए तूफानी बारिश हो रही है फ्रीजिंग कोल्ड हवा चल रही है इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है इस वक्त यहाँ पे शिमला में शिमला आए तो थे हम डिनर करने लेकिन बारिश भी मिल गई हमें ठंड बहुत ज़्यादा मिल गई क्योंकि ठंड इंजॉय करने आए थे शिमला की ठंड इंजॉय क्या कर रहे हैं अब तो कुल्फी जम रही है तो मज़ा आ रहा है अब ये टेंशन हो रखी है कि अब लिफ्ट तक कैसे आएंगे क्योंकि लिफ्ट से जाके पार्किंग तक हमने जाना है वहाँ से अपनी कार लेनी है और फिर चंडीगढ़ जाना है बारिश में आएंगे तो पूरे भीग जाएंगे है ना तो बस वेट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए बारिश तो बड़ी ज़ोरों में हो रही है भाई साहब बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि भैया ने दुकान खोली हुई है छाते की इतनी रात को हमें छाते मिल गए लिफ्ट तो खुली मिलेगी 11 बजे नहीं होगी सर हाँ जी सर चलो भागो फिर वक्त तो रहे रात के 10:45 और सारी शॉप्स तो बंद हो गई है तो बाई चांस एक शॉप हमें खुली मिल गई जहाँ से हमने दो अम्ब्रेला ले लिए क्योंकि जो हमारी अम्ब्रेला हमने कार में छोड़ा है हमें क्या पता था बारिश हो जाएगी लेकिन एकदम बारिश तेज़ होगी इतना शुक्र है भैया से अम्ब्रेला मिल गई हाँ जी कितनी ठंड है हाँ जी जून में हूँ मजा है शिमला के जून च भी इतनी ज्यादा ठंड है ना दंद भी कम रहे दर्द है वो देखिए सामने का नजारा क्राइस्ट चर्च का बारिश हो रही है क्लाउड देखिए कितना ब्यूटीफुल नजारा आप देख सकते हो मेरा कैमरा कैसे हिल रहा है क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे ठंड की वजह से बस 10 मिनट में लिफ्ट भी बंद होने वाली है पूरे 11 बजे लिफ्ट बंद हो जाती है और हमने लिफ्ट लेके वो नीचे जाना है पार्किंग की तरफ एट लास्ट लिफ्ट पर पहुंच गए हम ऑन टाइम कितना एडवेंचर ना बारिश हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं ऊपर से इतनी ज्यादा ठंड ऊपर से लिफ्ट बंद होने का टाइम पार्किंग में कार लगी है आगे चंडीगढ़ जाना है फुल ऑन एडवेंचर रहा हमारे इतने गीले हो गए तो कपड़े भी नहीं गीले हो गए हैं कपड़े भी नहीं बच गए थोड़े ज्यादा गीले नहीं हो ये हमारा जो स्पॉन्टेनियस प्लान हमने बनाया था शिमला जाके डिनर करके आते हैं तो बस हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा अब तक तो बहुत ज्यादा मजा आया एडवेंचरस हो गया हमारा सारा प्लान है ना बिल्कुल लिफ्ट लेते हैं तो जी हम फाइनली लिफ्ट से नीचे आ गए हैं अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना कि ठंड से कांप रहे हम लोग तो बहुत मजा आ रहा है टूरिस्ट भी सारे एंजॉय कर रहे हैं मजा फिर ऊपर रहा मॉल रोड क्राइस्ट चर्च अभी भी आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखिए क्लाउड कैसे जरूर देखो ऊपर क्राइस्ट चर्च जी फाइनली हम पार्किंग में पहुंच गए हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं क्राउड्स जाते हुए और बस यहाँ हमारी कार पार्क जी तो फाइनली अपनी कार में आ गए अब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है हीटर हमने ऑन कर दिया है तो थोड़ा सा कोजी लग रहा है अच्छा लग रहा है नजर आवा इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 11:14 मतलब 11:15 हो गए और अब हम शिमला से निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए 3-3.5 घंटे में अपने घर पहुंच जाएं लेट्स गो टू चंडीगढ़ देन लेट्स गो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दें शेयर कर दे है ना बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रात के 11:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट और कुछ इस तरह का माहौल है शिमला में रात में 11:30 बजे एकदम खाली दिन में आते हैं तो आपको पता है कितना ट्रैफिक जैम होता है इन सड़कों पर लेकिन रात में देखिए एकदम खाली सड़कें इक्की दुक्की कारें आ रही है बस निकल चले हैं चंडीगढ़ के लिए जरूर बस शिमले का गुरुद्वारा साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आप देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है इस वक्त हम पहुंच गए हैं शोगली टाउन 20 मिनट में हम आ गए हैं शिमला से यहाँ तक हाँ जी तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं कंडा घाट
आराम आराम से यहाँ तक पहुँचने में हमें लग गया तकरीबन एक घंटा शिमला से चंडीगढ़ पहुँचते हुए। यहाँ भी बारिश हो रखी है, ऐसे लगता है थोड़ी देर पहले बारिश हो के आई है, अभी सड़क पर पानी जमा है। तो जी इस वक्त हम पहुँच गए हैं सोलन, इसकी बूंदाबांदी अभी भी हो रही है सोलन में। देखिए रात के 12:30 हो रहे तो एकदम सोनी सड़कें, पर काफी सेफ रूट है ये चंडीगढ़ से शिमला का, रोड्स भी काफी अच्छी है। बिजली कड़क रही है जोरों से। तो जी इस वक्त हो रहे हैं रात के 1 और हम लोग पहुंच गए धर्मपुर टाउन, सारा टाउन एकदम सुनसान। राइट लेंगे यहाँ से तो आएगा कसौली, लेकिन हमने आगे जाना है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ और शिमला के एकदम मिडवे पे हम लोग पहुंच गए जो कि है धर्मपुर, जहाँ से और 1.5 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़। हाँ जी, तो इस वक्त हो रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं, लेकिन रास्ते में ना मुझे बढ़िया सी कुल्हड़ वाली चाय की दुकान दिखी, थोड़ी सुस्ती भी आने लगी, मैंने सोचा चलो चाय पीते हैं बढ़िया सी कुल्हड़ वाली। हाँ जी तुसी पीनी चाह? हाँ जी मैं पीऊंगी। जरा सिंह तुसी उठ गए, तुसी तो नहीं पीनी कुछ चाय दूध कुछ? और यही तो मजे होते हैं नाइट ड्राइव के, है ना, जब आपका दिल करे ब्रेक ले लो, चाय कॉफी कुछ पी लो, है ना। तो यहाँ इस वक्त रात की 1:30 बजे भैया की कुल्हड़ वाली चाय शॉप हमें दिखी। मैं नीचे प्लेस में भी बड़ी जोरों की बिजली कड़क रही है, आप देख सकते हो सामने बादल में बड़ी देर से बिजली कड़क रही है, पहाड़ों में तो कड़क ही रही थी, नीचे प्लेस में भी दिखाई दे रही है। देखिए सामने टाइम हो रहा है 1:45 और हम लोग पहुंचने वाले हैं पिंजौर। हाँ जी, तो इस वक्त हम पहुंच गए पिंजौर, राइट यहाँ से पिंजौर। तो जी बिजली तो कड़क ही रही थी, अब यहाँ पे भी तूफानी हवाएं चलने लगी है। जी तो इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 2:10 और बस वो सामने हम एंटर करने जा रहे हैं चंडीगढ़ में, द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। और हम एंटर कर गए चंडीगढ़ पूरे 3 घंटे में, शिमला से हम निकले थे 11:15 ऑलमोस्ट, अभी 2:15 होने में 5 मिनट है, बस और 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे अपने। जो तूफानी तेज हवा शिमला में चल रही थी और साथ में तूफानी बारिश हो रही थी, वही सेम तूफानी हवा सारे रास्ते होती रही, अब वही सेम तूफान चंडीगढ़ में भी आ रहा है, एकदम तेज हवा चल रही है और साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। और चंडीगढ़ में भी अच्छी खासी बारिश हो गई है, सड़कें गीली है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन हवा इतनी तेज चली है कि काफी पेड़ों की टहनियां टूटी पड़ी है। ये देखिए रोड पर, ये देखिए